फांसी देवा में ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक स्कूल छात्र की मौत की खबर मिलने के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य मंत्री अरुण विश्वास ने मृतक के पिता से की मुलाकात। फांसी देवा में ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक स्कूल छात्र की मौत की खबर मिलने के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य के युवा कल्याण एवं क्रीड़ा मंत्री अरुण विश्वास ने मृतक के पिता से मुलाकात की है। आज मंत्री अरुण विश्वास ने सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव, डिप्टी मेयर रंजन सरकार और दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस की सभा नेत्री पाप्या घोष के साथ मृतक के पिता से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री के निर्देश पर यहां आया हूं। हम परिवार के साथ है, मुख्यमंत्री मामले पर नजर रख रही है। इसके साथ ही मंत्री सिलीगुड़ी के एक निजी अस्पताल में भर्ती घायल छात्र से मिलने भी पहुंचे। অত্যন্ত দুঃখের বেদনাদায়ক মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কুশলনি শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে এবং গৌতম দেব জেলার প্রেসিডেন্ট পাপিয়া ডেপুটি মেয়র রানা সবাইকে পাঠিয়েছেন। আমরা এই পরিবারগুলোর পাশে আছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আমরা মুখ্যমন্ত্রী এবং আমরা সকলে এই পরিবারগুলোর পাশে আছি। বাচ্চাটিকে এখন আরেকটি বাচ্চা তাই মেডিকেল কলেজে ছিল, তাকে নিউটিয়াতে শিফট করা হয়েছে, আমরা সেখানে যাচ্ছি।